और दिशा पाटनी की नई फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जो आंकड़े दर्ज कराए थे उसके बाद साफ हो गया था कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड के बाद इस साल की कई सारी फिल्मों को पछाड़ कर बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। कुछ देर पहले ही बागी 2 के तीसरे दिन के आंकड़े सामने आए हैं जिनके मुताबिक ये फिल्म अब साल 2018 की दूसरी सबसे बड़ी फर्स्ट वीकेंड ओपनर बन गई है। टाइगर और दिशा की इस फिल्म ने ये रिकॉर्ड रेड, बैटमैन और सोनू के टीटू की स्वीटी को हराकर अपने नाम किया है। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट से इस साल की 5 सबसे बड़ी फर्स्ट वीकेंड ओपनर फिल्मों की लिस्ट लोगों के साथ शेयर की है। चलिए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन सी फिल्म किस पोजीशन पर है। पहले नंबर पर है पद्मावत 114 करोड़ रुपए, दूसरे पर बागी 2 73 करोड़ 10 लाख रुपए, तीसरे पर रेड 41 करोड़ 1 लाख रुपए, चौथे पर पैडमैन 40 करोड़ 5 लाख रुपए, पांचवें नंबर पर सोनू के टीटू की स्वीटी 26 करोड़ 57 लाख रुपए। तो देखा आपने, बागी 2 ने फर्स्ट वीकेंड ओपनर फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में फिल्म और कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF News।